rise. NKG, rise to height of the 6 meter above. Calculate the potential energy. यानी इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, मान लो ये कह रहा है कि एक जमीन से 6 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है और उस वस्तु का वजन जो बोल रहा है वो 10 kg है। आपसे इस क्वेश्चन में मांग रहा है पोटेंशियल एनर्जी, क्या मांग रहा है? पोटेंशियल एनर्जी मांग रहा है। तो इस प्रॉब्लम को बनाना तो आसान है ना। लुक एट द बोर्ड। तो एट फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? MgN। मास कितना दिया हुआ है? 10 kg। अब जी का वैल्यू कितना होता है? 10। अब जी का एच किसका वैल्यू? एच का वैल्यू कितना दिया? पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 600 जूल। कितना हो गया? 600 जूल। ये हमारा क्या निकल गया? पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। निकल गया ना। अब हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। लिखिए, चलिए फटाफट इसको उतारिएगा, बाद में पहले इसको लिख सकते हैं। लिखिए एक मिनट, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। ये हो गया ना, अब इसको क्लियर कर लेते हैं। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या बोल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का रूपांतरित, ऊर्जा का रूपांतरित, ठीक है, तेरित लिख लेना, ऊर्जा का रूपांतरित। अब इसमें क्या होता है, पहले हम लिख देते हैं द चेंज ऑफ, यानी ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने की ऊर्जा को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करते हैं। द चेंज ऑफ, हम यहां बोर्ड पर लिख भी रहे हैं, ठीक है, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो एनर्जी हम लोग बदलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अगर इसको हिंदी में लिखिएगा, ऊर्जा का एक रूप से, हिंदी वर्ड में लिखिएगा, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने को, बोलो, ऊर्जा दूसरे रूप में बदलना ही कहलाता है ऊर्जा का रूपांतरित। आपको ये पता होगा, जैसे एग्जांपल में अगर आप समझिए, हम सबसे ज्यादा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? वो सन। सन है ना, सन है क्या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? अभी देखो यहाँ पर अगर हम इस सन में देखोगे, अब कैसे कैसे कन्वर्ट कर रहा है, प्लीज टेक योर सीट, डोंट मूव हियर एंड देयर एंड डिस्टर्ब योर क्लास। एट फर्स्ट सन के बारे में देखिए, आपको ये पता है सन से जो हम लोग को हीट एंड लाइट मिल रहा है उसमें भी आपका कुछ खूबी है। कैसे मिलता है पता है ये बात? तो ये बात जान लो, चूंकि ये सन जो है एक हाइड्रोजन का गोला है, हाइड्रोजन का गोला, एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन, सुनो ध्यान से, ये हाइड्रोजन जो है और ये हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम गैस बनता है। क्या बनता है? हीलियम गैस बनता है। और यही हीलियम जब रिएक्शन करता है ना, जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन, सुनो, हाइड्रोजन एक सूरज किसका गोला है? हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है और केमिकल रिएक्शन करता है तो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हीट एनर्जी, जिसके कारण से हम लोगों को सूरज से क्या मिलता है? रोशनी, हीट एंड लाइट मिल जाता है बाबू, ये दोनों मिलता है। तो यहाँ पर देखो, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदला के नहीं बदला, पहले कैसे देखो, जब हाइड्रोजन करके रिएक्शन जब करा रहा था तो हीलियम गैस बन रहा था, तो यहाँ पर हो गया नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? न्यूक्लियर ऊर्जा। इसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। किसको कहते हैं इसको? इस प्रोसेस को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और ये नाभिकीय ऊर्जा, ध्यान से सुनो, यही नाभिकीय ऊर्जा जब रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है तो हमको क्या दे रहा है? हीट एनर्जी दे रहा ना। और हीट एनर्जी को फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइट एनर्जी। अभी सोलर सिस्टम का बहुत जबरदस्त यूज होता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? सनलाइट को उसको एब्जॉर्ब कर चार्ज करते हैं, हीट लेते हैं उसके, मेनली तो उससे हीट ही लेते हैं ना, हीट लेते हैं, हीट एनर्जी को रात में फिर बल्ब की ओर जलाते हैं,
तो वो क्या हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला कि नहीं एनर्जी। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसमें बहुत से एग्जांपल है आपके, इतने एग्जांपल है, एक सेकंड, इतने एग्जांपल है जहां पर आप जो सकते हैं। बहुत सी चीजें अभी देखिए, बल्ब हम लोग रात में जलाते हैं, पंखा जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक भी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट टू हो जाता है लाइट एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में। तो यहाँ कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसको आगे बढ़िएगा, क्लियर? यहाँ समझ मार है ना, जैसे हम लोग करते हैं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, लाइट में। अगर हम सन की केस में हमने बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हुआ सबसे पहले, तो हीट एनर्जी मिला और हीट के बाद ये लाइट मिला, तो हीट एंड लाइट दोनों कंबाइंड फॉर्म में मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है, उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है, इस चैप्टर क्लास 9 वाले बच्चों को, जो मैं देख रहा हूँ कि अभी क्या टॉपिक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, और भी ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का, प्लांट में देखिएगा, प्लांट यूज सोलर एनर्जी मैक केमिकल एनर्जी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, प्लांट जो है वो खाना प्रिपेयर करता है सनलाइट के ही मदद से, बिना सनलाइट से वो खाना प्रिपरेशन नहीं करता, ध्यान तो सुनिएगा। तो चूंकि आपको पत्ता जो देते ग्रीन, जो लीव देखते हैं ये ग्रीन लीव, वो ग्रीन ही क्यों होता है, वो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, और वो पिगमेंट का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। कोई भी पत्ता हरा जनरली होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो क्लोरोफिल में होता है, छोटा सा एक पिगमेंट होता है। टोमेटा वगैरह पढ़ाएंगे बायोलॉजी में, तो ये प्लांट जो है वो क्लोरोफिल के मदद से और सनलाइट की मदद से प्लांट क्या करता है, वहां पर प्रोड्यूस ग्लूकोज के रूप में करता है, और खाना का नाम है प्लांट का, और वो फूड जो है क्या नाम है प्लांट को मिल जाता है। तो ये प्रोसेस के बारे में हम डिटेल बात बताएंगे। तो प्लांट वाला भी केस में आप देख सकते हैं, प्लांट क्या यूज करता है, प्लांट यूज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यूज करता है कि नहीं, यस सर, सोलर एनर्जी है ना जी, और टू मेक केमिकल एनर्जी, टू मेक केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, ये भी हम पढ़ लिए, क्लियर? इसको जरा ड्रॉ कर दिया, जो उसको रफ में थोड़ा उतारा करोगे, Yes. उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और एक पावर पढ़ाना, चलिए इस पर अगर रफ में अगर लिखना चाहते तो लिखिए, और नहीं तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिखा हमने, जिसको कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण का नियम। इन हिंदी में अगर लिखिएगा तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, यहां क्या कहता है शॉर्ट में, ऊर्जा का ना ही निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इन्होंने एक लाइन भी याद रखेगा, क्रिएटेड और नॉर बी डिस्टॉर्ड, है ना जी, यस, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का ना ही हम लोग निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाता है, लॉ कंजर्वेशन का यही डिफिनेशन है, क्लियर? अब आगे हम इस टॉपिक में देखेंगे
इसमें और भी पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक समझ में आया? एनर्जी चेंज फ्रॉम वन टू, देखो जब भी, ध्यान सुनोगे, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉन्स्टेंट होता है। यानी कि अगर ध्यान, सोलर एनर्जी अगर है तो सोलर एनर्जी अगर कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में तो जितना सोलर एनर्जी खर्च हुआ है उतना ही हमें हीट एनर्जी मिलेगा। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये मत सोचोगे कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गेहूं जब 10 केजी का लेते हैं, आटा बनाने जाते हैं तो थोड़ा 1-2 किलो घट जाता है, तो वैसा इस केस में एनर्जी में नहीं होता है। अगर एनर्जी हमने क्या किया है, अगर 10 जूल का यूज किया है, एक एनर्जी था उसको कन्वर्ट हम 10 जूल में कन्वर्ट कर दिया तो यही हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये कॉन्स्टेंट होता है, इसकी मात्रा ना घटता है और ना ही बढ़ता है। अगर सिंपल में अगर हम कहें तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब समझ में यह आया, जिसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और ये यांत्रिक ऊर्जा जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और आपको ये भी यहां से एक और क्लियर हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी का हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, फॉर्मूला प्रूफ भी किया था। और फॉर्मूला क्या प्रूफ था? 1/2 mv² यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। तो ये हो गया, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी के बराबर आप ये भी फॉर्मूला रख सकते हैं ना। तो ये हमको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत बड़ा काम देगा। अब यहां से मैकेनिकल एनर्जी के बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है, समझ में आ रहा है मैकेनिकल एनर्जी? अगर मैकेनिकल एनर्जी का डिफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे एनर्जी प्रोसेस, लिखते हैं उसके बाद हिंदी में बता रहे, ठीक है, प्रोसेस द एनर्जी प्रोसेस की खबरी प्रोसेस बाय ए बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन एंड पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। शॉर्ट में लिख रहे हैं अभी, ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि आप अगर देखेंगे तो यहां पर मोशन है, आपको यह पता है व्हाट इज द मोशन, मोशन के बारे में समझते हैं, बात को पढ़ा चुके हम लोग। तो मोशन जब होता है तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर पोजीशन पे अगर है तो यहां पर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन है, अगर मान लो कि एक व्यक्ति जो है अपने सर पर, मान लीजिए कि वो 15 केजी का वेट का सामान खरीद लिए हुए है और जमीन से वह जो है अगर हम बात करें पांच मीटर दूरी पर लिए हुआ खड़ा है, वो अभी 5 फीट का दूरी का है, वो अपने पर सामान लिए हुए है, तो अगर ये बताइए ये कितनी एनर्जी खर्च करता है, तो हम लोग एक चीज पढ़ते हैं W बराबर, याद कीजिएगा, W बराबर Fs। एक्चुअली एगो cos थीटा मैंने पहले क्लास में नहीं बताया था, यहां पर भी एक 2-3 कंडीशन होता है, ये याद रखिएगा, ये आपको हायर क्लास में जब जाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, 9 क्लास में ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, 11 में ज्यादा है। तो W बराबर F(S)cos θ होता है, ये एक फॉर्मूला है। यानी कि अगर हम फोर्स अगर लगा रहा है तो फोर्स बराबर एफ बराबर आप क्या पढ़े, मास इंटू एक्सेलरेशन, एस तो हो गया डिस्प्लेसमेंट होगा और कॉस थीटा। अब यहां पर सवाल आता है कि अगर आप देखिएगा कि आदमी जमीन के साथ खड़ा है, जमीन के साथ हम खड़े अगर हैं तो जमीन के साथ हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, कितना डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बनेगा ना। तो 90 डिग्री का अगर कोण यहां पर बन रहा है, इसका मतलब है थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब मास कितना दिया हुआ है, वो मास दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, जी यहाँ पर अर्थ के ऊपर है तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा, तो जी का वैल्यू कितना होता है, स्टैंडर्ड 9, ऐसे हम लोग 10 रख लेते हैं
लेकिन 9.8 मीटर पर सेकेंड। राउंड फिगर में हम लोग इसको कितना रखते हैं, 10 रखते हैं। और एक्स डिस्टेंस 5 हो गया और कॉस हो गया ये थीटा के जगह पर क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि जमीन के साथ वो पहला 90 डिग्री कोण बना रहा है। और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है जरा बताएंगे, किसी को पता है कोस 90 का वैल्यू? किसी को याद है? साइन 0 का वैल्यू 0। एक्चुअली अच्छा आपको 9 क्लास में ना 10 में इसका फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में। तो कॉस एक्चुअली साइन 0 का, यहां पर हम फॉर्मूला थोड़ा सा लिख देते हैं थोड़ा याद रहेगा। साइन थीटा डिग्री 30 डिग्री, ये आप लोग लिख लीजिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर आप चाहते हो कि अच्छी सी पढ़ाई करें तो आपको थोड़ा थोड़ा कोई चीज को याद भी रखने की जरूरत पड़ेगी समझने के साथ साथ। कॉस उसके बाद यहां हो गया आपका 60 हो गया, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90 हो गया, ये हो गया साइन और ये हो गया कॉस। अगर हम यहां देखें साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, क्या होता है, इतना वैल्यू होता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी को रिवर्स हो जाता है, यानी कॉस ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया 0। ध्यान से देखिएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है ना। आप जब इसी को पढ़ते तो देखिए ये यहां आ जा रहा है आरएनए के घर आगे की ओर। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया 0। आप इसको कितनों 15 × 75 × 150 हो जाएंगे गुणा करने बाद, आप कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया 0। तो यानी वो आदमी कोई काम नहीं कर रहा है। तो कूली अगर आपका कोई काम कर रहा है, बोझा ढोकर ले जा रहा है और उसको पैसा वो मांग रहा है, तो आप अगर बोल देते हैं कि आपने कोई काम किया ही नहीं है तो मैं पैसा क्यों दूं, तो एक साइंस के हिसाब से तो वो सही कह रहे हैं आप। लेकिन इन ए फिजिकल वर्क, आपके बॉडी का मसल काम किया उस लेबर का, उसको तो पे करना होगा, उसने वर्क किया है, है ना, बॉडी के मसल के अनुसार से। अगर फिजिक्स के अनुसार से कहें तो उसका काम कुछ नहीं है। तो कितना यूनिक लगता सुनने में कि अगर हम बोझा पे अगर 10 टन का भी बोझा लेकर अगर हम खड़े हैं या लेकर जा रहे हैं तो हम 0 डिग्री का एंगल बना दिया तो हमारा वैल्यू 0। इसीलिए कह सकते हैं वर्क 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये बातें आपको मैंने बताया, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी समझ में आया, मैकेनिकल एनर्जी को कहते हैं हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा। अब मैकेनिकल एनर्जी दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है? यस हेलो, अगला हम लोग का टॉपिक है यहाँ से बात हम देखेंगे, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर ये प्रूफ भी कर चुके हैं, है ना। ये रजे अगला हम लोग का टॉपिक है वो देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट एट द हाइट। ये इस पॉइंट पर अभी हम डिस्कस करेंगे, चलिए आगे इसको उतारिए। टू डूइंग वर्क, आप जितना काम करने की आपकी जितना क्षमता होगा वही ना आपका ये पावर डूइंग वर्क, यही ना पावर कहलाएगा। ध्यान से देखिए पावर में, और अगला डिफिनेशन ये भी जोड़ सकते हैं, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम, कंज्यूमशन, यानी कि जितना आप एनर्जी कंज्यूम कर पाते हैं वही हमारा पावर है। पावर बराबर आप जो लिखेंगे पी बराबर, पावर का एसआई यूनिट पहले देख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है पावर का? वाट, वाट लगा दिया नहीं क्या, उसने पावर देख के वाट लगा दिया, ये याद रखिएगा हमेशा, वो याद रहेगा है ना। आज बोलता है यार क्या उसका वाट लगा दिया, क्या उसका वाट लगा दिया, मतलब मार कर ठूर दिया ना ये, तो उसी तरह से एनर्जी लगाया होगा। तो एनर्जी है दैट मीन्स पावर है, और पी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाय टी, क्योंकि रेट ऑफ एनर्जी। आप सुनिए ध्यान से, यहीं से अगर क्या क्लियर हो जाएगा, कह रहा है रेट ऑफ एनर्जी, अच्छा रेट ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ वेलोसिटी अगर हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ वेलोसिटी बात करते हैं तो क्या कहते थे याद है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। उसी तरह से रेट ऑफ एनर्जी यानी समय के अनुसार उसकी एनर्जी बदल रही है,
बराबर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी बराबर क्या होता है टी, और एनर्जी जो होता है वो वर्क के बराबर होता है। अब यहाँ पर डब्ल्यू बराबर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा यानी पावर बराबर, एक तो ये फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे भी पावर के बराबर अगर डब्ल्यू बराबर आप क्या जानते हैं एफ इंटू एस जानते होंगे, एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है ना, एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है एफ बराबर क्या जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस बटे टी। तो एक फॉर्मूला पावर का ये भी निकल गया मास इंटू एक्सेलरेशन बटे टाइम, यानी देख लेंगे आपको मेनली याद रखना है ये फॉर्मूला पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, लेकिन ये सब फॉर्मूला इसी से ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है। तो अब आपके न्यूमेरिकल जब देता है ना तो वहां पर ही सब यूज करने में आसानी हो जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई डॉट है? तो पावर बराबर आप समझ चुके हैं। तो अब उसके बाद अगर एक क्वेश्चन है, दूसरी बात एक क्वेश्चन को हम शॉर्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे पहले हम सोच रहे हैं कि यूनिट ऑफ पावर एसआई यूनिट हो गया ना, एसआई यूनिट के बाद अच्छा एक वाट इक्वल टू होता है जो है वन जूल, क्या होता है वन जूल बाय वन सेकंड, दैट मीन्स वन जूल वन सेकंड क्यों लिखे पता है, पहले यहां समझिएगा इस पे P बराबर क्या होता है W बटे टी। अरे भाई W एनर्जी है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है कि नहीं होता है, और इसका टाइम का वन सेकंड एसआई यूनिट है कि नहीं है, तो यही जूल पर सेकंड लिखे। अगर किसी ने डिफाइन करने बोल दिया कि डिफाइन करो, क्या डिफाइन करो वन वाट, एक वाट को डिफाइन करो, गुड मॉर्निंग सर, एक वाट को डिफाइन करो, तो उसको उनको बताइए कि एक वाट को डिफाइन कीजिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी बॉडी पे एक जूल एक सेकंड में एक जूल एनर्जी जो कंज्यूम होता है एक सेकंड में एक जूल जो एनर्जी कंज्यूम होता है वही हमारा एक वाट है, क्योंकि आप डिफिनेशन से देखो वन जूल बाय वन सेकंड हो रहा है ना, वन जूल बाय वन सेकंड, यानी कि एक वाट इसको आप कह सकते हैं कि अगर एक जूल एनर्जी वन सेकंड में अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं वाट कहते हैं, क्या कहते हैं जी वाट कहते हैं। उसी तरह से अगर हम बिगर यूनिट में बात करें जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है एक किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, कितना होता है 1000 वाट, चलिए यानी कि 1000 वाट मतलब क्या हो गया 1000 जूल पर सेकंड, यानी अगर 1 किलो वाट का अगर आप मीटर लगाते हैं अपने घरों में तो इसका यह मतलब है कि 1 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज, उस जूल में कितना कर रहे हैं 1 सेकंड में 1000 जूल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां तक तो बात समझ में आ गया होगा हमको, अगला टॉपिक